YouTube चैनल नॉलेज इन फॉर्म विद हिल्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ सहारा इंडिया परिवार के सिलसिले में और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के सिलसिले में। साथ में हम बात करेंगे सहारा इंडिया परिवार के इन्वेस्टर्स के पेमेंट के सिलसिले में। जंतर मंतर में भारी आंदोलन करने के बाद जब जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने सरकार से अपील की कि वो उनका सहारा इंडिया परिवार का जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा है वो उनको दिलवा सके वापस सुरक्षित। बहुत सारे लोगों ने एकजुट होकर के, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं सहारा के, उन्होंने दिल्ली में जो है एकजुट होकर के जो है सरकार से अपील की कि वो उनका पैसा दिलवा सके। बात करते हैं सारे ने परिवार के बारे में, तो यहाँ पे पहले हाई कोर्ट में केस चला था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है सारे ने परिवार और सेबी के बीच में। बात करें सुब्रत राय सहारा जी, जो सारे ने परिवार के मेन मुखिया हैं, वो उनका कहना ये है कि हम जो है सिक्योरिटी रीजन के कारण जो है प्रत्यक्ष मतलब फिजिकल रूप से ना होकर के जो है टेक्नोलॉजी के द्वारा वो कुछ प्रस्तुत होना चाहते हैं। बात यह है कि बहुत सारे हाई कोर्ट में जब केसेस चल रहे थे ये, तो उसमें भी इन्होंने जो है कई डेट में ये हाजिर नहीं हुए। कभी तबीयत के लिए उन्होंने बताया कि तबीयत ठीक नहीं है उनकी, कभी मतलब अन्य रीजंस के कारण उन्होंने बताया कि वो पेश नहीं हुए। जब तक वो कोर्ट में प्रत्यक्ष रूप से पेश नहीं होंगे तब तक वो किस प्रकार से जो है ये केस आगे बढ़ेगा और जो इन सारे के परिवार के इन्वेस्टर्स को कैसे उनका पैसा मिल पाएगा वापस। तो हम लोगों की अपील यही है कि वो कोर्ट के केसेस में हाजिर हों, जिसकी वजह से जो है सारे के परिवार के इन्वेस्टर्स को उनका पैसा मिल सके और सारे के परिवार के इन्वेस्टर्स को उनका जो है मैच्योरिटी अमाउंट मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। वंदे मातरम।